पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुल्क की चरमराती अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर से आस लगाई है। इमरान खान कहते हैं कि यह कॉरिडोर सिख समुदाय के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और पाकिस्तान दुनिया भर के सिक्कों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। यह कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को सार्वजनिक रूप से खुल जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे में भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों से सिख श्रद्धालु आएंगे। यह न केवल सिख समुदाय के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा वरन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। उधर पाकिस्तानी विदेश मंत्री सामे महमूद कुरैशी ने संवाददाताओं को दिए बयान में बताया कि उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कुरैशी ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने उनको पत्र लिखकर समारोह में शामिल होने की बात कही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मनमोहन सिंह आम आदमी के तौर पर समारोह में शामिल होंगे, न कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर। जबकि इसके तर आज सुबह ही पाकिस्तानी फौज ने तंगधार सेक्टर में भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए जबकि 1 नागरिक की भी मौत हो गई। इसके बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिक एवं आतंकियों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने यह हरकत ऐसे वक्त में की है जब करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने का समय करीब है। जानकारों की माने तो यदि पाकिस्तान ने सीमा पर संयम नहीं बरता तो तनाव और बढ़ेगा, जिसकी आंच करतारपुर कॉरिडोर की पहलकदमी तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान दो दांव एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ भारतीय सीमा पर अकारण गोलाबारी करवा रहे हैं तो दूसरी तरफ करतारपुर कॉरिडोर को लेकर सद्भावना का दिखावा कर रहे हैं। पर भारत पूरी तरह सतर्क और चौकस है। वह जानता है यह वह मुल्क है जिस पर कभी भी यकीन नहीं किया जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को करतारपुर कॉरिडोर के लिए नोटा देकर इसने एक दांव चल दिया है ताकि भारत राजनीति में आपस में फूट पड़ जाए और सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में उलझकर पाकिस्तान की चाल को कामयाब करें। उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस पाकिस्तान की इस चालबाजी को समझने में कामयाब होगी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।